तो अभी आप लोग YouTube के ऊपर फोर फिंगर कस्टम HUD तो देखते ही हो, तो तुम्हारा भाई भी लर्न करेगा यार फोर फिंगर कस्टम HUD। सो दिस इज डे वन। इस डे वन के अंदर यार हम लोग पहले तो कस्टम HUD सेलेक्ट करेंगे हमारे अकॉर्डिंग, और उससे हम लोग थोड़ा बहुत खेलने का ट्राई करेंगे। और डे वन में तो यार आप लोगों को पता ही है इतना सब कुछ ही हो पाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो चलो फटाफट हम लोग हमारे कस्टम HUD को फोर फिंगर बना लेते हैं। तो मैंने यार YouTube के ऊपर देखा था, किसी एक बंदे ने बता रखा था ये HUD बहुत ही बिगनर वाला बताया था उसने, तो मेरे को भी ये अच्छा लगा काफ़ी। और मैं बता दूं मैं टू फिंगर वाला प्लेयर हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फोर फिंगर को। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फायर बटन का साइज़ आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और ये HUD आप लोग देख ही पा रहे हो कुछ इजी सी कस्टम HUD है ये। तो चलो आपको मैं बता भी देता हूँ कौन सी फिंगर कहाँ किस बटन पे यूज़ करनी है अपने को। तो ये साइड लेफ़्ट साइड के अंदर हम यूज़ करेंगे हमारे टू फिंगर्स को, जिसमें एक हमारा थंब होगा और एक हमारी अंगुली होगी। यही सेम चीज़ हमारे राइट साइड के हैंड से होगी। तो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड पे चलते हैं, उससे बढ़िया जगह कुछ हो ही नहीं सकती प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मेरे ओल्ड कस्टम HUD पे, क्योंकि ये जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ ना, यही सेम चीज़ मैं उस वाली HUD से करके देखूंगा, मतलब प्रैक्टिस करूंगा। तो देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमको भागना होता है, वीपन एक्सचेंज बटन को दबाना पड़ता है, और जंप बटन को दबाना पड़ता है, और फिर फायर करना पड़ता है। तो समझ रहे हो, थोड़ा सा ये 3-4 बटन हमको दबाने पड़ेंगे। भागो, वीपन निकालो, जंप करो और मारो बंदे को, भागो, अपना ये वीपन चेंज करो और जंप करो और बंदे को फायर करो, ठीक है। ये वाला काम हम लोग आज करेंगे उसके अंदर, फोर फिंगर वाली HUD के अंदर। तो चलो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं फोर फिंगर वाली HUD को। तो पहले तो यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ, भागता हूँ और फिर बटन एक्सचेंज करता हूँ, मतलब वीपन वाला बटन एक्सचेंज करता हूँ जो मेडिकेट के नीचे है, फिर उसके बाद मेरे को जंप करना है और फिर मेरे को फायर करना है। तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को स्टार्टिंग में, तो मैं करीब ऐसे 2-3 मिनट तक तो करता रहा। तो देख सकते हो अभी इतना ही कर पा रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ कि भागने वाला बटन कौन सा है, जंप वाला बटन कौन सा है, और अभी तक हमने बैठने वाले बटन को तो यूज़ करा ही नहीं। वो अपन डे 2 या डे 3 में करेंगे, सिटअप वाला ग्लूवॉल वाला बटन। तो देखो सबसे पहले मैं भाग रहा हूँ, फिर उसके बाद में मेरे को बटन चेंज करना है, ये एकदम परफेक्ट किया मैंने, लेकिन फिर मैं रुक गया, भागा नहीं दोबारा से। तो देखो सबसे पहले मैं भाग रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा वीपन निकाल रहा हूँ और जंप करके मार रहा हूँ बंदे को। तो ये देख सकते हो ये चीज़ मैं सीख गया हूँ इसके अंदर करना, और अभी मैं इसको और रेगुलर करता जाऊँगा तो मैं और सीखता जाऊँगा। और आपको ये कैसा लगा वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत छोटा था, लेकिन डे वन के अंदर यार मैं इतना ही दिखाऊंगा, वरना 2-4 चीज़ सीखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ के लिए हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। और फोर फिंगर की डिमांड होने वाली है फ्री फायर के अंदर भी आगे चल के, इसलिए मैं सोचा फोर फिंगर भी सीखते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।